स्टूडेंट तो स्वागत है आपका ईस्टर्न यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं सुरेंद्रन का। आज हमारे पास बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि एसएससी ने भी प्रीवियस ईयर में पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना और ऐसे कंसेप्ट को क्लियर करना। कहा है कि वर्ग का विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर है। एक दूसरे ऐसे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, ये सब पूछा है। दूसरा विकर्ण जिसका एरिया पहले वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना हो, मतलब अगर पहले सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। कितना हो तीन तिगुना हो, ठीक है। ई एरिया वहाँ पे तिगुना हो, ओके। अब ध्यान से समझना, ओके। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तिगुना मतलब क्या है कि पहले अगर आपका वन है तो वन से थ्री पहुँच रहा है, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर फॉर्म बन जाएगी, मतलब ई जो वैल्यू है वो रूट थ्री बन जाएगी, ओके क्लियर। क्योंकि वहाँ पे तिगुना हो रहा है और दूसरे विकर्ण पूछा है हमसे, तो विकर्ण में क्या हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा। और वर्ग का विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर है। एक दूसरे ऐसे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका एरिया पहले वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना हो। तो पहले का वर्ग कितना है, 8√2 है, ठीक है। 8√2, ठीक है, इसका सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसका हम तिगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, समझ गए। तो हमारा जब इसकी जो मल्टीप्लाई हो इसके साथ हो जाएगी, ठीक है। 8√2 की मल्टीप्लिकेशन 8√3 क्या हो जाएगी, तो जो वैल्यू हमारी वो 8√6 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस में प्रोवाइड कराता हूँ।